तनख्वाह मैंने ली ही नहीं, वो मेरा असासा बना दिया गया। फैसले को सामने रखें तो दोहरे मेयार का पता चल जाएगा। जिसने खुद तस्लीम किया उसे कहा जा रहा है कि वो नाअहल है। इस मुल्क में कानून का एक ही सिक्का चलेगा, इस तरह की सिक्काशाही नहीं चलेगी। दोहरा मेयार और इंसाफ का खून नहीं चलेगा। हम कोई बेवकूफ़ हैं, पागल हैं, भेड़ बकरियां हैं जो इस तरह के फैसले मान ले। इस तरह के फैसलों को आवाम भी तस्लीम नहीं करेगी। और 10वीं मरतबा साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की एहतसाब अदालत आज पेशी थी और इस पेशी के बाद वह एहतसाब अदालत से रवाना हो रहे हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए और आज दो गवाहों के बयान भी कलमबंद होने हैं। अब तक आपको बताते चलें कि 8 गवाहान के बयान कलमबंद किए जा चुके हैं और आज पेशी के दौरान उनकी साहबजादी मरियम नवाज़ और कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर भी उनके हमराह मौजूद थे। और अब एहतसाब अदालत से पंजाब हाउस की जानिब ये काफिला रवाना हो चुका है। एहतसाब अदालत ने पेशी के हवाले से आपको बता रही है, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ एहतसाब अदालत पेशी के बाद रवाना हो चुके हैं एहतसाब अदालत से और ये काफिला पंजाब हाउस की जानिब रवाना हुआ है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की आज 10वीं मरतबा एहतसाब अदालत में पेशी थी और पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि फैसलों को सामने रखें तो दोहरे मेयार का पता चल जाएगा। जो तनख्वाह मैंने ली ही नहीं वो मेरा असासा बनाया गया। इस मुल्क में कानून का एक ही सिक्का चलेगा, इस तरह की सिक्काशाही नहीं चलेगी। दोहरा मेयार और इंसाफ का खून नहीं चलेगा।